साउंड, टेक सेवन, एक्शन। हाय गाइस, आई नो आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते फॉर श्योर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं अपने बारे में। सो वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद पारस। जो कल थे आज उससे बेहतर होना है, मेहनत करके रातों को चैन से सोना है, कर्म करो और भूल जाओ कि उसका फल कब मिलेगा, जिन खुशियों के हकदार हो तुम, खुदा के रहते तुम्हें वो सब मिलेगा। बचपन की कई सारी ऐसी यादें हैं जो आज भी मैं याद करके सोचता हूँ काश मैं बच्चा ही होता। तभी से अब जब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो सारी मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वो जो बचपना था वो कुछ और ही था। जबा। एक मेमोरी ऐसी है, जब मैं सेकेंड क्लास में था, मुझे स्कूल में तो वो लोकल मीडिया आती थी और वो पूछती थी कि आपको क्या बनना है लाइफ में। हमको नहीं पता। हर किसी का जवाब कुछ ऐसा था कि कोई कह रहा था इंजीनियर, कोई कह रहा था डॉक्टर, लेकिन मैं अचानक से मेरे मुंह से निकला एक्टर। बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड स्टैंडर्ड में हो, आपको होश भी नहीं होता है कि आपको बड़े होके बनना क्या है, लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने कहा था कि मुझे एक्टर बनना है। जब घर पर आए थे और वो लोकल चैनल ने वो टेलीकास्ट हुआ था, और जब मेरे घर वालों ने देखा था कि मैंने कहा है कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। लेकिन आई थिंक जब भी आज मुझे कोई पूछता है आपको कब से एक्टर बनना है, मैं कहता हूँ सेकंड क्लास से, जब मुझे होश भी नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है, तब से मुझे एक्टर बनना था। सो ये एक ऐसी मेमोरी है जो मेरे साथ आगे तक जाएगी और मुझे बहुत अच्छे से जिंदगी भर याद भी रहेगी। पनीर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके बाद अब मुझे पनीर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब भी कहीं जाता हूँ और पनीर देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, आज मैं पनीर नहीं खाऊंगा, आज कुछ और खाऊंगा। अब जैसे मेरे हाथ में बिस्किट है, अब मुझे बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कई दिनों से नहीं खा पाया हूँ बिकॉज ऑफ माई डाइट। सो आपका जो आंसर है वो पनीर ही रहेगा। बट सिंस चाइल्डहुड माई फेवरेट हैज़ बीन ऋतिक रोशन। सो मैं उन्हें ही देख कर एक्टिंग में आना चाहता था, मैं उन्हें ही देख कर आइडलाइज करता था और कहता था कि एक दिन लाइफ में इतना बड़ा बनना है कि वेन एवर यू गो पीपल रिकग्नाइज यू, पीपल प्रेज योर वर्क। सो सिंस देन आई हैव बीन वॉचिंग ऋतिक रोशन प्ले सर्टन रोल्स जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक थे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थे। तब से मेरे माइंड में था कि एक्टर बनना है तो ऋतिक रोशन जैसा बनना है। एंड ऑब्वियसली माई फेवरेट हैज बीन शाहरुख खान। बिकॉज ही इज दैट रोमांटिक काइंड ऑफ एन एक्टर जिसने इतनी ज़्यादा रोमांटिक मूवीज किए, जिसे देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ। सो एक नहीं दो है, ऋतिक रोशन एंड शाहरुख खान। झूठ, कोई भी मुझसे अगर आकर झूठ कहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। अच्छा, तो आपके साथ भी होता होगा, आपको सच पता है लेकिन आप सामने वाले को परख रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, और जब सामने वाला आके आपसे झूठ कहता है या फिर उसी टॉपिक पे कुछ और आकर कहता है कि जो तू समझ रहा है वैसा नहीं है, और जो तुझे लग रहा है वो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो आपको लग रहा है वो बिल्कुल सही है। और मेरे आसपास के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो अगर आप भी मुझसे कभी कुछ आकर झूठ कहते हैं तो आप केयरफुल रहिएगा। लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, लोगों को लगता है मैं शायद स्मोक करता हूँ या फिर मैं ड्रिंक करता हूँ, बट ये चीज़ लोगों को सरप्राइज़ कर देती है। ना मैं पार्टी पर्सन हूँ, मुझे पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। चल बता अभी सच्ची अरे कहना क्या चाहते हो, क्या एक्चुअली तेरे अंदर ऐसी चीज है जो तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है या फिर बहुत अच्छे से करना पसंद है? तो यही है, लोग इस चीज को सुन के सरप्राइज हो जाते हैं, बट दैट्स व्हाट आई एम। पहली चीज पैसे,
हर कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता है जब कोई छोटे से होम टाउन से, छोटे से शहर से, मुंबई जैसे शहर में आता है. आपको लोग बस एक ही चीज़ याद दिलाते हैं कि ये शहर बहुत ज़्यादा महंगा है. और एक्टर बनने आए हो तो कई सारी जगह पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कई सारी चीज़ें बोली गई थी मुझे यहाँ पर. सो वो चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड था कि क्या मैं उतना इन्वेस्ट कर पाऊँगा, क्या मेरी फैमिली मुझे उतनी सपोर्ट कर पाएगी जितना रिक्वायर्ड है. धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट हो ही जाती है. सेकेंड जो मैं कहना चाहता हूँ वो थे मेरे लिए दोस्त, फ्रेंड. मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, कर पाता था. अभी तो मैं थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ, अभी फ्रेंड्स बनाने लगा हूँ, लेकिन उस टाइम पर मेरे ना स्कूल में कोई फ्रेंड्स थे, ना मेरे होम टाउन से ऐसा कोई दोस्त थे मेरा. 12th के बाद मुंबई आया था, लेकिन 12th तक मैंने एक दोस्त नहीं बनाया था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और बहुत ज़्यादा अपने में रहा करता था. तो मुझे ये बात की बहुत टेंशन हुआ करती थी कि क्या मैं मुंबई में आके दोस्त बना पाऊँगा या नहीं. कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कई सालों से मेरे साथ हैं और जिन पर मैं खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ. सो वो चीज़ भी सॉर्ट हो गई. मुझे कुछ कहने की जरूरत है? आई थिंक ये फ्रेम काफी है. कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि अपने शूज के बारे में मुझे बताओ, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि कितने पेयर्स हैं. सो लेट मी टेल यू, आई हैव मोर देन 200 पेयर्स, और इनके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ. यूट्यूब पर एक व्लॉग आएगा जिससे मैं आपको बता पाऊंगा कि मुझे ये शूज इतने पसंद क्यों है और मैंने कब, कहाँ, कैसे. सो आप वेट कीजिएगा. और मीनवाइल आप भी मुझे बताइए कि आपका प्राइस पोजेशन क्या है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो कल थे आज उससे बेहतर होना है, मेहनत करके रातों को चैन से सोना है, कर्म करो और भूल जाओ कि उसका फल कब मिलेगा, जिन खुशियों के हकदार हो तुम, खुदा के रहते तुम्हें वो सब मिलेगा. तो ये एक छोटी सी शायरी थी. ऐसी मैंने बहुत सारी शायरियाँ लिखी है, बहुत सारी कविताएँ लिखी है. तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने काफ़ी जान लिया है मुझे. और अगर आपको मेरे बारे में और भी कई सारी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अब मैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर बनाऊँ. सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे आप देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों को और एंटरटेन करता रहूँगा यहीं पर. टेक केयर, लव यू.